दोस्तों, ये है GBU-39 स्मार्ट बम। ये एक ऐसा बम है जिससे कोई भी इंसान नहीं बच सकता। यह किसी भी बंकर या अंडरग्राउंड शेल्टर को आराम से उड़ा सकता है। अगर ऐसे साइट बम किसी के पास आ जाए तो वह मुंबई जैसे शहर को तहस नहस कर सकता है। आज मैं आपको ऐसे ही 10 वेपन्स के बारे में बताऊंगा जो कि बेहद ही खतरनाक होने के साथ साथ स्मार्ट भी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। यूरान 9। आपने टर्मिनेटर जैसी फिल्म में ऐसी कार तो देखी ही होगी जो कि अपने आप ड्राइव कर सकती है और साथ ही इनमें मिनी गन्स भी लगी होती है। मैं आपको बता दूं कि ऐसी एक मशीन असल जिंदगी में भी मौजूद है। इसका नाम है यूरान 9 रोबोट। ये एक 10 टन की रिमोट कंट्रोल टैंक है। इस टैंक में 4 एंटीटैंक मिसाइल, एक 30 मिलीमीटर गन, 12 रॉकेट प्लेंथ और एक मशीन गन मौजूद है जो इसे बेहद ही घातक बनाता है। हम मानते हैं कि यह किसी मूवी के रोबोट जितना कूल नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ दर्जन टैंक कई किलोमीटर के एरिया को कवर कर सकता है। किसी भी तरह की गन या मैन पावर इस टैंक के सामने कुछ भी नहीं है। इस जर्मन पावर रिमोट कंट्रोल टैंक की मदद से खतरनाक इलाकों में सामान आसानी से बिना किसी जोखिम से पहुंचाया जा सकता है। ये 600 किलो का वजन आराम से उठा सकता है और दुश्मन के कॉन्टेक्ट में आने पर यह अपने मशीन गन का इस्तेमाल बखूबी कर सकता है। ये 40-70 मिलीमीटर के रॉकेट भी कैरी कर सकता है और उन्हें सक्सेसफुली लॉन्च भी कर सकता है। इस मशीन गन में एक ही कमी है कि यह खुद सोच नहीं सकती। इसे किसी इंसान द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्लस्टर म्यूनिशन। क्लस्टर बम इतिहास का सबसे खतरनाक एरियल बम माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसके केवल एक बम के अंदर कई मिनी बम रखे हुए होते हैं। ऐसे ही एक बम CVU-58 के अंदर 650 छोटे बम रखे गए थे जिनका साइज एक बेसबॉल के गेंद जितना था। जब CVU बम को ऊपर से गिराया जाता था तब ये बीच हवा में खुल जाता था और 650 बम कई किलोमीटर के एरिया में गिरकर तबाही मचाते थे। हर एक बम के गिरने की वजह से लगभग 200 पीस हवा में उछलते थे जो कि 300 मीटर के रेडियस में फैलते थे। एक 450 किलोमीटर के बम के अंदर 432 एंटीटैंक और 132 माइन स्टोर करके रखा गया था। ये माइन स्टोर जमीन पर गिरने के बाद 40 दिन तक एक्टिव रहते थे। इस बम से बचना लगभग नामुमकिन है और इस बम को 108 कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। AK-630M2 Duet। AK-630 एक रशियन ऑटोमेटिक रोटरी कैनट है। इसकी खास बात यह है कि यह 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद दुश्मन को यह खोजकर उस पर हमला कर सकता है। यह एक एंटी शिप मिसाइल है। यह दुनिया का सबसे तेज फायर करने वाला कैनट है। यह 1 मिनट में 1000 राउंड फायर कर सकता है। आप जरा इसे एक बार फायर करते हुए देखिए। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसा यह प्लेन थ्रोवर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह अपने दुश्मनों पर गोलियां फायर कर रहा है। ये है अमेरिकन प्रोफेंस M134 मिनी गन। ये एक ऐसी इकलौती गन है जो अपने आप कंट्रोल होकर चलती है। बिना किसी इंसान की मदद लिए प्रोफेंस मिनी गन की फायरिंग रेट किसी भी मिनी गन से ज़्यादा है। ये एक मिनट में 6000 गोलियां दापता है। इसकी इतनी ज़्यादा फायरिंग रेट होने की वजह से आप अपने दुश्मन को 1 किलोमीटर दूर से भी खत्म कर सकते हैं। इसे ज़्यादातर हेलीकॉप्टर से फायर किया जाता है। इस मिनीगन को तभी खत्म किया जा सकता है जब कोई स्मार्ट बम इस पर डायरेक्ट आकर गिरे, जो कि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। Bastion-P। रसिया का Bastion-P दुनिया का सबसे तेज कोस्टर मिसाइल है। ये अपने टारगेट को खोजता है और उस पर हमला करके 5 मिनट के अंदर अपने आप को रेड अप्लाई के लिए तैयार हो जाता है। केवल एक Bastion-P की मदद से आप 600 किलोमीटर के कोस्ट लाइन को सुरक्षित रख सकते हैं। केवल ऐसे 30 मिसाइल USA के पूरे कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Bastion-P 800 ओनिक्स NP शिप मिसाइल से लेस है। यह 3 टन का मिसाइल 350 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी आराम से मार गिरा सकता है। एक बड़े शिप को पूरी तरह से तबाह करने की क्षमता रखने वाले इस रॉकेट से बचना नामुमकिन है।
ये सुपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट की तरफ मूव करता है। जब इसकी स्पीड मापी गई तो ये 3200 किलोमीटर पर हवर से भी ज़्यादा थी। इसकी स्पीड की वजह से रडार पर स्पॉट करना बेहद ही मुश्किल है। S-400 Triumph दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। ये किसी भी हवा में आते हुए मिसाइल को नष्ट कर सकता है। और तो और ये बैलिस्टिक मिसाइल और सुपरसोनिक स्टील्ड एयरक्राफ्ट को भी खत्म कर सकता है। जैसे कि अब दुनिया के सबसे तेज मिसाइल झिरकुन को ले लीजिए, जो कि 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ सकता है। इतनी स्पीड से आप धरती का एक पूरा चक्कर 4 घंटे में लगा सकते हैं, लेकिन वो भी S-400 Triumph से बच नहीं सकता। ये एंटी मिसाइल 5 किलोमीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहे मिसाइल को भी नष्ट कर सकता है। केवल 3 से 4 सेकंड में यह 100 किलोमीटर के दायरे में आ रहे मिसाइल को लॉक कर सकता है और कुछ सेकंड में ही ये उन पर हमला भी कर सकता है। पावरफुल MLRS। MLRS एक ऐसी मशीन है जो अपने टारगेट पर लगातार मिसाइल फेंक सकता है। POS-1 एक ऐसा टैंक है, ये 24 रॉकेट अपने अंदर रखता है और 6 सेकंड के अंदर ये 40,000 स्क्वायर मीटर के एरिया को तहस नहस कर सकता है। इसे बिल्कुल बारिश की तरह छोड़ा जाता है। बस फर्क इतना है कि इसमें पानी की जगह आसमान से मिसाइल की बारिश होती है। एक बार फायर करने के बाद वहाँ का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से दुश्मन के व्हीकल्स गर्मी से अंदर तक नष्ट हो जाते हैं। POS-1 की मैक्सिमम रेंज 6 किलोमीटर तक की है। अगर दुश्मन 6 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है तो ये काम आती है। A-52 ये एक भयंकर मिसाइल छोड़ने वाली व्हीकल है जो 120 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को भी नष्ट कर सकती है। अगर 69 A-52 US एक साथ हमला करे तो केवल 40 सेकंड में मुंबई जैसे शहर को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। आर्चर आर्टिलरी सिस्टम। आर्चर दुनिया का सबसे तेज आर्टिलरी सिस्टम है। ये 155 मिलीमीटर का कैनल केवल 23 सेकंड लेता है मुड़कर अपना पहला शॉट फायर करने के लिए। केवल 1 मिनट और 14 सेकंड में ये 3 शॉट फायर करके रेड अप्लाई होने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक उसके शॉट टारगेट तक पहुंचे, ये अपनी लोकेशन बदल कर फिर से उस पर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। इस वजह से इसे ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल है। एक बार फुल लोड होने के बाद ये 8 राउंड हर मिनट में फायर कर सकता है। जरा सोचिए, कुछ डजन ऐसे आर्टिलरी मशीन क्या नहीं कर सकते। दुश्मन पूरी तरह से बौखला जाएगा कि आखिर हमला करे भी तो कहाँ करे। सबमरीन ओहायो। एक बार आप जरा इस ओहायो की पानी से बाहर निकलती सबमरीन को देखिए, बेहद ही खतरनाक दिखती है। एक ओहायो क्लास सबमरीन के पास 24 मीटर की ड्राइडेंट रॉकेट्स है और साथ ही ये 288 न्यूक्लियर मिसाइल्स। दुनिया की ऐसी कोई सबमरीन नहीं है जो इतने सारे न्यूक्लियर मिसाइल कैरी करती है। इन मिसाइल्स की रेंज 11,300 किलोमीटर की है। इसका मतलब कि ये दुनिया के किसी भी कोने से हमला करने में सक्षम है। ये पानी के अंदर 30 मीटर से मिसाइल को अपने दुश्मनों पर छोड़ सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास ऐसे 14 सबमरीन है। इसका मतलब उनके पास 336 मिसाइल और 4032 न्यूक्लियर बम है। क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर वो एक साथ ये सारे मिसाइल्स लॉन्च कर दे? दुनिया का कोई भी देश उन मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। MIRV। कई न्यूक्लियर मिसाइल के पास एक से ज़्यादा वॉरहेड होते हैं, जो कि 14 न्यूक्लियर बम एक साथ गिरा सकते हैं। जब मिसाइल 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है तब ये वॉरहेड्स को छोड़ जाता है और ये वॉरहेड्स अपने टारगेट को बिना चूके निशाना बना लेते हैं। जैसे कि R-30 मिसाइल्स के अंदर 10 न्यूक्लियर बम होते हैं, जो कि हिरोशिमा पर गिरे बम से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। अब इस 22RS इंटरब्लेस्टिक मिसाइल को देखिए, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर होती है। इसका एक बम R-30 से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। वॉरहेड्स जितने छोटे होते हैं उतने ही ज़्यादा उनकी ताकत होती है। RS-28 सरमत। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार के बारे में। RS-28 सरमत ये दुनिया का सबसे बड़ा और लॉन्गेस्ट रेंज का इंटर मिसाइल है।
इसका वजन 200 टन होता है और इसकी लंबाई 35 मीटर होती है। यह रॉकेट 18,000 किलोमीटर दूर के टारगेट को आसानी से नष्ट कर सकता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, हर एक RS-28 मिसाइल के अंदर कई गुना ताकतवर न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं, जो कि हिरोशिमा पर गिरे बम से भी ज्यादा ताकतवर है। एक RS-28 मिसाइल में लगभग 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ बेहद ही खतरनाक मिसाइल्स और हथियार, जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।